डॉक्टर बी आर अंबेडकर के पोते और बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर कहा, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उन्होंने सवाल किया, अगर मैं जनगणमन गाऊंगा तो मैं भारत विरोधी हो जाऊंगा, और वंदे मातरम गाने से क्या सच्चा भारतीय बन जाऊंगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय बैंकों से किए जा रहे संदेहास्पद नगद लेन देन पर नजर रखेगा। संबंधित बैंक से लेन देन के संबंध में सूचना भी प्राप्त की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सिंह सरकार से 40 दिन 40 सवाल पूछने की कड़ी में स्वर्णिम से समृद्ध मध्य प्रदेश को लेकर बुधवार को चौथा प्रश्न पूछा। कमलनाथ ने पूछा कि क्या अपने समृद्धि का नारा भाजपा नेताओं और मंत्रियों के लिए गढ़ा है, अगर ऐसा नहीं है तो मुख्यमंत्री बताएं कि मध्य प्रदेश में गरीबी का ग्राफ लगातार क्यों बढ़ रहा है। अपने स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों के लिए शहर में एक खास मुकाम बनाने वाली ग्वालटोली स्थित होटल गुरुकृपा में बुधवार सुबह आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। होटल प्रबंधन द्वारा आग लगते ही तुरंत ग्वालटोली थाने और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। थोड़ी बहुत देर मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश में चुनावी दौरा नवंबर के पहले सप्ताह से प्रारंभ होगा। इस दौरान वह प्रदेश में 11 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। क्रिकेट के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाली टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और विस्फोटक बल्लेबाज गौतम गंभीर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। काफी समय से टीम से बाहर चल रहे गंभीर और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में सपाक्स का आज से महा आंदोलन शुरू हो रहा है। भोपाल में बड़ी संख्या में सपाक्स के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। भोपाल के बाद यह आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को भी अब सरकारी बैंकों की तरह पेंशन मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से करीब 50,000 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक वर्मा को अवकाश पर भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की है। मीटू अभियान में महिलाओं द्वारा अनेक लोगों पर आरोप लगाए जाने के बाद सरकार ने कार्यस्थलों पर यौन शोषण से निपटने संबंधी कानून और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह का गठन किया है। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर की गिरावट और घरेलू शेयर बाजार में रही तेजी के दम पर अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में भारतीय मुद्रा बुधवार को लगातार दो दिन की गिरावट में उभरती हुई 41 पैसे की मजबूती में 73.16 रुपए प्रति डॉलर पर पहुंच गई है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपनी जबरदस्त फॉर्म बरकरार रखते हुए 37वां शतक ठोका। सबसे तेज 10,000 रन पूरे किए। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन पूरे कर विश्व रिकॉर्डधारी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।